दोस्तों, जैसे ही बरसात आती है और बरसात के मेंढक, बरसाती मेंढक निकल आते हैं ना, वैसे ही हमारे देश में चुनाव आते नहीं है और फुदकते फुदकते वो लोग भी नेता बनने की जोर आजमाइश करने शुरू कर देते हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना एक है न देना दो है। अब आप कहेंगे, कुमकुम तुम तो हमेशा नेगेटिव रहती हो, हर आदमी की तुम आलोचना करती रहती हो। ना भाई, मुझे क्या पड़ी है, बीजेपी के सांसद सनी देओल ने ही मौका दिया है। दोस्तों, बीजेपी के स्टार सांसदों में से एक, पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल को अचानक से पीएम मोदी का बड़ा याद आई है, पीएम मोदी का ख्याल आया है। और देखिए, पीएम मोदी का एक ट्वीट उन्होंने रिट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं, भारत हमारा देश है, मतदान आपका अधिकार है, इसका उपयोग समझदारी से करें क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए आपका कर्तव्य है। भारत को शांतिपूर्ण, सुंदर और प्रेम पूर्वक देखभाल वाला घर बनाएं। दोस्तों, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक तरह से सरकार का प्रचार करते हुए ट्वीट किया था, उसको रिट्वीट किया था मोदी जी ने, उसी को आगे बढ़ाया सनी देओल ने। अनुराग ठाकुर कुछ कर रहे हैं समझ में आता है, वो तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, मोदी जी तो खैर है ही, लेकिन सनी देओल जी, आपको क्या हो गया, आप भूल गए क्या कि आपने जब से पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव जीता था तब से वहां फटकने नहीं गए। और ये मैं नहीं कह रही हूं, आपके कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों के कमेंट्स भरे पड़े, कईयों ने तो आपके गुरदासपुर से लापता होने वाली ये पर्ची भी जारी कर दी जो अभी कुछ साल पहले छपवाई थी आपके विरोधियों ने। मतलब आप झांकने तो जाते नहीं है अपने संसदीय क्षेत्र में, और तो और खुद संसद की जारी रिपोर्ट बताती है कि सनी देओल उन स्टार सांसदों में से एक हैं जो सांसद बनने के बाद लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र का एक सवाल पूछने के लिए संसद आए तक नहीं। भाई, जिस सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर एक सवाल तक नहीं पूछा, 5 साल निकल गए, अब 5 साल के बाद उनको अचानक से ख्याल आ रहा है कि अरे वो तो नेता है, अरे वो तो सांसद है, तो मोदी जी का ट्वीट बढ़ा दिया आगे। बात तो आपने सही बोली सनी देओल जी की, बड़ी होशियारी और समझदारी से वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर इतनी होशियारी और समझदारी से गुरदासपुर की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया होता ना, तो आपकी जगह कोई ऐसा नेता, चाहे बीजेपी का ही सांसद क्यों ना होता, कोई ऐसा बीजेपी का सांसद तो होता जो कम से कम लोकसभा में गुरदासपुर के लोगों की आवाज उठाता, उनकी समस्याएं रखता। आप तो झांकने नहीं गए लोकसभा, और अब लोकसभा चुनाव फिर से आ गया तो आ गए बाहर, आपका तो करियर फिर से पटरी पर आ गया ना। गदर एक प्रेम कथा हिट हो गई है, सुन रहे हैं कि उसका तीसरा पार्ट भी बन रहा है, उसकी तैयारी में भी आप लोग लग गए, तो आप कहां फिर से नेतागिरी चमकाने के लिए आ गए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी आपको टिकट देने वाली है? भाई, वैसे बीजेपी का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दिल्ली में सुन रहे गौतम गंभीर का, हंसराज हंस का टिकट कट गया, अक्षय कुमार को उतार रहे हैं वहां मैदान में, तो आपके तो चांसेस सनी जी कम ही लग रहे हैं। खैर, कुछ कह नहीं सकते, आपके 2.5 किलो का हाथ, क्या पता कौन डर जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या सनी देओल को हक है कि वो दूसरों को ज्ञान दें कि उन्हें कैसा वोट, कैसे वोट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।